भैया आप बता रहे हैं कि मटका खाद एक बहुत अच्छा खाद है, फायदेमंद भी है, तो आप इसे कैसे बनाते हैं, बना के बताइएगा। हाँ बिल्कुल भैया, मैं हाँ अभी जो है आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगा कि मटका हाँ खाद कैसे कैसा हो। बनाते हैं। अच्छा, तो बनाइए भैया। भैया आप मटका खाद में क्या क्या सामग्री लगते हैं आप बताइए हाँ क्या क्या। भैया, ये मटका खाद पे जो है अच्छा पहले प्रथम हाँ अच्छा यानी कि मटका मटका लगता है ना। मटका अच्छा हाँ अच्छा मटका अच्छा लगता है। उसके बाद है नहीं, ये ये क्या है, गोबर है। गोबर है और हाँ गुड़ भी लगता है। अच्छा, गुड़ भी लगता है हाँ अपन जी मटके गुड़ खाद भी में। लगता है। अच्छा हाँ और ये बेसन है, ये अच्छा अच्छा चना का बेसन चने ये का भी लगता बेसन। है। और ये गौमूत्र है अच्छा, गौमूत्र भी डालते हैं मटके जी, में। हाँ अच्छा ये भी डालते हैं मटका पे। अच्छा हाँ और पानी भी लगता है 5 लीटर अच्छा इसमें। यानी कि सभी को मिलाकर के हाँ मटके सभी खाद हाँ तैयार बिल्कुल करते हैं। सबको मिलाकर और उसके अच्छा बाद जो है इसको मटका में जो है खाद अच्छा तैयार करते अच्छा हैं इसको। तो कैसा खाद बनाते हैं आप, बना के बताइए। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बना के हाँ आपके सामने ही मैं बना के दिखाऊंगा मटका में अच्छा, कैसा बनाया जाता है। दिखाइए कैसे हाँ बनाते हैं भैया। जो आप ये मात्रा बता रहे हैं मटका खाद बनाने के लिए, जी ये कितने जगह पे के लिए होगा ये। ये भैया ये 25 डिसमिल के लिए एक जो गुड़ा है। है अच्छा ये 50 ग्राम है। अच्छा 50 ग्राम गुड़ है ना। हाँ जी 50 ग्राम अच्छा है। ये बेसन है अच्छा अच्छा 50 ग्राम, गाय का बेसन है ये। ये चना का बेसन है, अच्छा ये अच्छा चने चना का का बेसन। बेसन है। अच्छा और ये 5 किलो गोबर है, ये अच्छा अच्छा है गोबर नहीं, है वो। 5 लीटर ये पानी है। अच्छा, हाँ 2 लीटर ये गौमूत्र। गौमूत्र है। अच्छा हाँ ये हमें, जो है ये सामग्री हाँ ये सामान जो है इसको मैं हाँ मटका खाद ये जो है बनाऊंगा इसको। अच्छा, तो इसको कैसे बनाएंगे भैया, अपन बनाइए के बताइए थोड़ा अच्छा सा। अच्छा ठीक है, तो मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ।